घर में एक्वेरियम रखने के कई बेनिफिट होता है, जैसे स्ट्रेस कम होना। फ्रेश वाटर टैंक का देखभाल करना सॉल्ट वाटर टैंक यानी नमकीन पानी टैंक का देखभाल करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। इस वीडियो में हम टॉप 10 फ्रेश वाटर मछली के बारे में जानेंगे जिसे हम एक्वेरियम में रख सकते हैं। नियोन टेट्रा एक छोटा पतला फ्रेश वाटर मछली है जिसका आसानी से देखभाल किया जा सकता है। नियोन टेट्रा मछली बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। गुपिस एक अन्य फ्रेश वाटर मछली है जो विभिन्न प्रकार के रंगों में आती है। वाटर टैंक के पानी का तापमान 10 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखनी चाहिए ताकि यह मछली अपने टैंक में खुशी से रहे। मोलिस भी एक मीठे जल की मछली है जिसका देखभाल करना काफी आसान होता है। मोलिस एक ओमनिवोरस मछली है। बेटा फिश एक मीठे जल की मछली है, इसे एक्वेरियम में रखने के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। गोल्ड फिश एक अन्य मीठे जल की मछली है, यह लगभग 14 इंच लंबी होती है। कुछ गोल्ड फिश 25 साल तक जीवित रहती है। एंजल फिश एक लोकप्रिय मीठे जल की मछली है, यह मछली काफी खूबसूरत होती है और विभिन्न रंगों में आती है। गोल्डन ड्वार्फ बार्बी एक मीठे जल में रहने वाली मछली है, यह मछली 1.5 इंच तक बड़ा होता है और इसे इसके गोल्डन येलो कलर से आसानी से पहचाना जाता है। रेनबो फिश भी मीठे जल में रहने वाली मछली है जिसे एक्वेरियम में हम रख सकते हैं। इस मछली को ग्रुप में रखा जाता है। जेब्रा डानियोस एक छोटी और कम मेंटेनेंस वाली मछली है, ये 5 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। प्लेटिस एक मीठे जल में रहने वाली मछली है जो अन्य कई तरह के रंगों की आती है, इसे भी हम अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं।